हाय एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ ब्रेड पकोड़ा। तो स्टफिंग वाले ब्रेड पकोड़ा तो आपने बहुत बार खाए होंगे। फ्रेंड्स जो रेसिपी मैं आज लेकर आई हूँ ना, वो रेसिपी घर के कुछ सामानों से झटपट बना सकते हैं। जब भी कभी शाम को या इवनिंग में या सुबह सुबह कुछ खाने का मन करे, टेस्टी सा, क्रिस्पी सा, चटपटा सा, तो ये बना सकते हैं आप घर के ही सामान से। ब्रेड और बेसन तो तकरीबन घर पर पड़ा ही होता है। फ्रेंड्स सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें एक कप बेसन डाल लेंगे। मेन बात ये है कि बेसन इसमें बारीक पिसा हुआ लेना है, मोटा पिसा हुआ बेसन बिल्कुल भी नहीं लेना। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और एक बैटर तैयार करेंगे। तो ये मैं आपको ट्रिक और टिप्स के साथ बताऊंगी, तो आपका भी ब्रेड पकौड़ा है वो परफेक्ट बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो बैटर ना ही तो ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। अगर थिक होगा तो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे और पतला होगा तो भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसमें डाल देंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे 5 मिनट तक फेंटना है। फेंटने से ये फ्लफ़ी हो जाएगा और इसके जो लम्स है वो निकल जाएंगे। तो इसे साइड में रख दिया है फ्रेंड्स मैंने, और इसे साइड में रख दिया। ये देखिए परफेक्ट बना है। तो इस तरह से होना चाहिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है। मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, तो फ्रेंड्स आप किनारे कट करना चाहते हैं तो किनारे कट कर सकते हैं, पर अगर आप किनारे कट नहीं करेंगे तो अच्छे बनेंगे और जो किनारे हैं वो क्रिस्पी हो जाते हैं जब ऑयल में फ्राई करते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं, मैं त्रिकोणी शेप में कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस नाश्ते को अगर आप बनाएंगे तो ये झटपट से, एक तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा झंझट या तामझाम नहीं करना पड़ेगा। तो 10-15 मिनट में ये बनकर आप फटाफट से बना सकते हैं झटपट से। तो टाइम नहीं लगता एक तो, और ऑयल चढ़ा देंगे और एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसे बेसन के घोल में डिप करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल पतली सी लेयर आनी चाहिए, ना तो मोटी ना पतली। ये देखिए बस बेसन के घोल में इसे डिप करेंगे और इसे ऑयल में छोड़ देंगे इस तरह से। अगर पतला होगा घोल तब भी पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे और ऑयल पी जाएंगे। और ऑयल को तेज़ गर्म करेंगे स्टार्टिंग में, फिर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप स्पेस है ना, उसी तरह से आप इसमें डाल सकते हैं ब्रेड पकोड़ा। तो ये मैंने 4 पीस डाल दिए हैं और इन्हें अब एक बार फ्राई होने देंगे और फिर ये देखिए धीरे से पलट देंगे इसे। तो ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। तो इन्हें बिल्कुल क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे, तो क्रिस्पी होते हैं तब अच्छे लगते हैं। तो इन्हें ये देखिए अभी अच्छी तरह से देखिए फूल गए हैं और कितने अच्छे बने ना। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अगर आप भी इस तरह से बैटर तैयार करेंगे ना, तो आपके भी पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। बस बैटर को अच्छे से बनाना है, बस बैटर ही अगर सही बनेगा ना तो पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो बैटर को ज़्यादा पतला नहीं रखना और ज़्यादा थिक नहीं रखना, और बस परफेक्ट बैटर से परफेक्ट पकौड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे बने हैं, फूले फूले और क्रिस्पी, और ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं किया इन्होंने। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स आप भी इंजॉय करिए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए, आप भी खाइए। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।